हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश कुमार गुप्ता, सरस्वती विद्या मंदिर, बरवतसेना, बेतिया। दिस इज माई फोर्थ वीडियो फॉर द चैप्टर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन साइंस फॉर क्लास 7। इसके पहले 3 वीडियो में हम लोग इस न्यूट्रिशन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में, जानवरों में न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो भोजन कैसे खाते हैं और वो भोजन उनके शरीर के लिए किस तरह फ़ायदेमंद होता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि हम लोग जो भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में किस तरह फ़ायदेमंद होता है, हमारे शरीर में उस भोजन का पाचन किस तरह होता है, ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो एक बार रिमाइंड करते हुए चलते हैं कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के मेनली 6 पार्ट्स होते हैं। नाम भी आप लोग को शायद याद हो गया होगा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे माउथ, जिसको साइंटिफिक भाषा में बकल कैविटी कहते हैं, उसके बाद फूड पाइप, इसे हम लोग ओएसोफेगस कहते हैं, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस। एक एक पार्ट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ाई कर रहे थे, जैसे बकल कैविटी में भोजन का पाचन किस तरह होता है, उसमें भोजन को चबाते समय हमारे बकल कैविटी यानी माउथ के कौन कौन से पार्ट्स मेनली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे दांत, जीभ और सेलिवरी ग्लैंड। मुंह में इन तीनों का अपना अलग अलग कार्य होता है और ये तीनों उस भोजन पर अपना अलग अलग कार्य करते हैं और भोजन को पाचन करने लायक बनाते हैं। उसके बाद वो भोजन ओएसोफेगस यानी कि फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में चला जाता है। ये हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये पिछले वीडियो में भी अपने आप लोगों ने देखा था इसके बारे में। स्टमक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा भाग और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है, क्योंकि भोजन को पूरी तरह पाचन करने में और उसको पूरी तरह तैयार करने में ये अंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओएसोफेगस से जो फूड मटेरियल स्टमक में पहुंचता है, स्टमक में पहुंचने के बाद उस पर अलग अलग तरह से कार्य होता है स्टमक के द्वारा। क्या कह रहा होता है स्टमक का स्ट्रक्चर अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होता है, इट इज लुकिंग लाइक एसेप्ट जे। इसके दोनों तरफ एक तरह से समझ लिए दरवाजे लगे रहते हैं, जो भोजन हम लोग खाते हैं चबाने के बाद ओएसोफेगस के थ्रू जब स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक में पहुंचने के बाद वो कुछ देर तक इसमें स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जिसके बारे में हम लोग एक एक कर डिस्कस करेंगे। स्टमक में भोजन पहुँचने के बाद इसमें मुख्य 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 कि स्टमक में जब भोजन पहुंचता है तो उस पर स्टमक के द्वारा गैस्ट्रिक एसिड छोड़ा जाता है, या बोल सकते हैं गैस्ट्रिक जूस। हमारे पेट में जो गैस की समस्या होती है वो इसी के कारण होती है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का जो स्राव होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। अगर हमारे त्वचा पर पड़ जाए अगर तो उससे हमारी त्वचा जल सकती है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग एसिड होता है। लेकिन इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव यानी कि सिक्रीशन जब स्टमक में होता है तो स्टमक के जो पार्ट्स होते हैं वो नहीं जलते हैं। इसका मेन कारण है म्यूकस। म्यूकस क्या है?
म्यूकस को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कफ या बलगम, हम लोग खांसते समय या सर्दी के टाइम में जब सर्दी खांसी पूरी तरह सूख जाता है तो उसे जो बलगम निकलता है उसे हम लोग म्यूकस बोलते हैं। ये म्यूकस क्या करता है, स्टमक के इंटरनल वॉल, अंदर का जो पूरा दीवार है उस पर एक लेयर बन जाता है। जैसे हम लोग दीवार पर पेंटिंग करते हैं, दीवार बनाने के बाद उस पर सीमेंटिंग किया जाता है और सीमेंटिंग करने के बाद पेंट कर दिया जाता है ताकि दीवार का नुकसान ना हो, बाहर के जो पानी धूप हवा दीवार को ख़राब ना करे, इसी कारण से हम लोग उस पर पेंट कर देते हैं। उसी तरह म्यूकस जो है स्टमक के इंटरनल वॉल के ऊपर एक पेंट के रूप में चढ़ जाता है, जिसके कारण उसके जो वॉल्स हैं, उसके जो दीवार हैं स्टमक के, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सुरक्षित हो जाते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण स्टमक के त्वचा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि बीच में म्यूकस एक लेयर के रूप में होता है। तो म्यूकस का काम क्या है, स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सेव करना, बचाना। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका स्राव क्यों होता है, इसका स्राव इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने जो फूड खाया है, भोजन जो किया है, उसको एसिडिक बनाने में काम आता है। क्योंकि जब तक फूड को एसिडिक नहीं बनाएंगे, उस पर एंजाइम्स उसका उसमें स्थित फूड कंपोनेंट्स का पाचन नहीं कर पाएंगे। और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि हम लोग भोजन करते समय उसमें जो बैक्टीरिया वायरसेस और भी बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो जाने अनजाने में हमारे मुंह में चले जाते हैं। वैसे हम लोग तो कहा जाता है कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दांत मुंह और हाथ को अच्छी तरीके से साफ करें, लेकिन कभी कभी ऐसी हो जाता है कि ठीक से हाथ नहीं धोने के कारण हमारे हाथ में बैक्टीरिया या वायरस रह जाते हैं। उस भोजन को जब हम लोग खाते हैं तो भोजन के साथ बैक्टीरिया या वायरस हमारे पेट में चले जाते हैं, लेकिन पेट में जाने के बावजूद पेट में जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उनको मारने का काम करता है, यानी कि पेट से आगे बढ़ने नहीं देता उनको। जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया वायरस हमारे पेट में गए हैं, इन सभी बैक्टीरिया वायरसेस को ये एसिड ख़त्म कर देता है, मार देता है, जिसके कारण हम लोग का शरीर बीमारियों से बचा रहता है। दूसरा कि ये फूड को एसिडिक बना देता है, और जैसे मैंने कहा कि एसिडिक बनाने के बाद इस पर बहुत सारे एंजाइम्स काम करना शुरू करते हैं। तीसरा चीज़ है कि ये जो स्टमक है इसमें एक तरह का डाइजेस्टिव जूस क्रिएट होता है जो कि इस फूड के साथ मिक्स हो जाता है, और ये डाइजेस्टिव जूस एक तरह का एंजाइम होता है, और ये एंजाइम उस फूड में स्थित प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में कहा था मैंने कि फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन जो है हम लोग का बकल कैविटी में ही शुरू हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट या उसके स्टार्च भी बोला जाता है या ग्लूकोज भी बोला जाता है, वो उसका पाचन हमारे बकल कैविटी में ही हो जाता है। प्रोटीन का पाचन हमारे स्टमक में होता है, क्योंकि स्टमक से जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है वो प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। तो फूड कंपोनेंट्स के दो इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च और प्रोटीन, इन दोनों का पाचन बकल कैविटी और स्टमक में हो गया। इसके बाद भोजन जो है वो नेक्स्ट स्टेप में जाता है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले भोजन को अच्छी तरीके से एसिडिक बनाने, उसमें गैस्ट्रिक जूस मिक्स करने और उसको अच्छी तरीके से पाचन करने लायक बनाने में स्टमक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। इसके दोनों तरफ दरवाजे होते हैं जो कि भोजन को थोड़ा थोड़ा करके हमारे नेक्स्ट स्टेप में भेजते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ
स्टमक के बारे में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्टमक में जो तीन महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, नंबर एक म्यूकस का उत्पादन जो स्टमक के इंटरनल वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव जो भोजन को एसिडिक बनाता है और उसमें एसिड बैक्टीरिया या वायरस को मारता है, ख़त्म करता है हमें और हमें सुरक्षित करता है बीमारियों से, और तीसरा डाइजेस्टिव जूस जो प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। इनका तीनों कार्य मैंने अलग अलग यहाँ बता दिया है। अंत में पूरे इन तीनों के कार्य को मिलाकर स्टमक का कार्य निर्धारित किया जाता है, यानी कि हम लोग जो भोजन करते हैं वो भोजन हमारे स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, स्टमक इस पर क्या क्या कार्य करता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्टमक में। तो स्टमक के मुख्य तीन कार्य हैं, नंबर एक टू मेक द फूड एसिडिक, वैसे ये तीन नंबर में लिखा हुआ है लेकिन सबसे पहला काम यही होगा टू मेक द फूड एसिडिक, दूसरा टू मेक द फूड जर्म्स फ्री, इसको मैंने पहले में लिखा है, इसको आप लोग दूसरे में लिखिएगा, और तीसरा होता है टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। तो स्टमक जो है वो भोजन पर ये मुख्य तीन कार्य करता है, नंबर एक भोजन को एसिडिक बनाता है, नंबर टू भोजन को जर्म्स फ्री बनाता है, बैक्टीरिया वायरसेस को मारता है, और नंबर थ्री प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। तो यहाँ तक हम लोग जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रहे थे, पहला बकल कैविटी, दूसरा एसोफेगस और तीसरा स्टमक, इन तीनों का कार्य प्रणाली हमने अच्छा से समझा, और प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन कहाँ पे होता है, यहाँ तक हम लोगों ने अच्छी तरह सीख लिया। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा सुनिएगा, आपको समझ में आ गया आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का कार्य क्या क्या होता है। धन्यवाद।